स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी इस सेकेंड वीडियो में, जो कि इसमें बैंड का रिव्यू करने वाला हूँ, SF रश फिटनेस बैंड। बहुत ही ज़बरदस्त बैंड है, सिर्फ दो कमियां निकालूंगा इस वीडियो में, बाकी तारीफ़ भी तारीफ से भर दिया मैंने इस वीडियो को। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी है, जो कि एफिलिएट लिंक नहीं है यार, अमेज़ॉन पर आने का है ये। अब वीडियो आपको आगे बढ़ाने से पहले एक बार आपको एक छोटा सा वाटरप्रूफ टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जो कि नल के नीचे करूँगा। इस बार मैं किसी ग्लास में नहीं डुबाऊँगा पिछले वीडियो की तरह, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एकदम फुल्ली वाटरप्रूफ है और बहुत मस्त। मुझे लगभग 15 दिन हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए और अभी तक एक भी बार चार्ज नहीं किया, सिर्फ आज सुबह चार्ज किया था मैंने। क्यों? क्योंकि इसकी रिव्यू की वीडियो बनानी थी मुझे। अब देख लेते इसका पूरा फिजिकल ओवरव्यू। इसका जो बैंड का पट्टा है वो है पूरा प्लास्टिक का लगभग, और इसमें आप प्रेस करते आपको सबसे पहले इसमें आपको टाइम देखने मिल जाता है, इसकी बैटरी लाइफ और डेट भी देखने मिल जाती है। और बाकी अगर बात करें इसके पीछे के साइड में, तो पीछे में बस इसमें एक हार्ट बीट सेंसर और दे दिया रहता है, तो एक कमाल का बैंड हो जाता है, पर ये नहीं दिया है टाटा ने इस बार। और अगर इसकी बात करें तो बहुत ही अच्छा बैंड है, वैल्यू फॉर मनी 1000 रुपये के अंदर। एक और इसमें आपको किलोमीटर, आप कितने दिन में कितने किलोमीटर चले, कितने कदम चले, सारे कैलकुलेशन इसमें आपको देखने मिल जाते। और एक जो मैं दूसरी कमी इस बैंड के निकालना चाहूँगा वो ये है कि इसमें जो आपको आई डिटेक्शन मोड देखने नहीं मिलता। और अब चलिए इसको चार्ज करके देखते हैं। इसको अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ से एक साइड का पट्टा निकाल के आप इसको डायरेक्ट चार्जर में घुसा सकते हैं। अब देखते हैं, आपको मैं चार्जर में इसको घुसा के दिखाता हूँ। इसमें बस एक कमी, दूसरी जो कमी थी इसमें, वो आई डिटेक्शन मोड देखने नहीं मिलता है। अब देखिए आप इसमें इस तरह से इसको लगा सकते हैं और फिर इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये बहुत ही मस्त सिस्टम है, आपके पास सिर्फ एक एडेप्टर होना चाहिए घर पर, बाकी वो वायर USB का कुछ भी झंझट नहीं है इस बैंड में, वो भी बहुत ही मस्त लगी। अब देखिए मैं इसको हाथ में पहन के देखता हूँ और ये कैसा लुक देता है, देखते हैं हमारे हाथ को। तो चलिए अब मैंने इसको हाथ में पहन लिया, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। देखिए हाथ को एकदम एक क्लासी लुक मिल रहा है, अगर आप पार्टी वगैरह में कहीं भी पहन के जाते हैं, रेगुलर भी यूज़ करते हैं, तो बहुत ही मस्त लुक देता है। आपके हाथ को भी देख लीजिए, एकदम मस्त और क्लियर और बहुत ही प्यारा लुक देता है हाथ को। एक मैं आपको इस वीडियो में अभी तक बात बताना भूल गया था, एक बार क्या हो गया था, मैंने इसको मैं अपनी पैंट में डाल के इसको भूल गया था और ये वॉशिंग मशीन में पूरा घूम गया था, तो भी इसको कुछ नहीं हुआ। ये मेरे को बहुत ज़बरदस्त महसूस लगा, अब ये चालू होगा नहीं होगा, पर ये हो गया। और ये सबसे सही बात लगी, पूरा वॉशिंग मशीन में 1 घंटे तक घूमा फिर भी इसको कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों अगर आपको इस बैंड का रिव्यू पसंद आया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ये बैंड परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से आके परचेस कर सकते हैं। और ये इस बैंड का पहला रिव्यू है इस शायद मेरे हिसाब से यूट्यूब के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। और ये मेरा दूसरा रिव्यू मेरे चैनल के ऊपर, इसके बारे में मैंने बोट का रिव्यू किया था, अनबॉक्सिंग के साथ ही किया था, पर इसके रिव्यू के लिए थोड़ा टाइम लिया, इसलिए मैंने टाइम लिया, थोड़ा ऑब्जर्व किया इस बैंड को, फिर आपको सजेस्ट किया कि मैं तो कहता हूँ आप इसको परचेस कर लीजिए 1000 रुपये के अंदर। बहुत मस्त है, इसमें सिर्फ एक हार्ट बीट सेंसर और आई डिटेक्शन है। अगर आपको आई डिटेक्शन समझे नहीं, आई डिटेक्शन मतलब अगर आप कहीं खाना खा रहे हैं या हाथ धो रहे हैं या आपके हाथ गीले या खराब है, आप इसको ऐसा प्रेस नहीं कर पा रहे, चांस नहीं कि कोई किसी तरह से प्रेस हो, इसलिए जब आपको टाइम देखने और काफी ज्यादा अर्जेंट हो, अगर आपको टाइम देखने, अगर आप डायरेक्ट ऐसे देखते हैं अपनी, वो आई सेंसिंग करता है और आपको हाथों हाथ बिना टच के ही टाइम दिखा देता है। बस एक ये नहीं है और हार्ट बीट सेंसर नहीं है, बस ये दो चीजें नहीं, और बाकी बैंड तो बहुत माहौल और बहुत प्यारा बैंड है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आखिर में बस इतना ही, जय हिंद।